हेलो नमस्ते बच्चों आज हम हिंदी में बड़े औ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे लिखा है ना अभ्यास करें चित्र देखकर शब्द लिखो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और मैंने शब्द लिखे हैं आपको ध्यान से पढ़ने हैं ये क्या दिखाई दे रहा है पौधा धा आ में बड़े औ की मात्रा पौ धा में आ की मात्रा धा पौधा जितने भी ये चित्रों वाले शब्द होते हैं ना हम पीछे पड़ चुके होते हैं तो फिर हम उसका दोबारा अभ्यास करते हैं कि हमें ये शब्द लिखने आते हैं या नहीं आते यह खिलौना खामे छोटी की मात्रा खी लामे बड़े ओ की मात्रा लो नामे आ की मात्रा ना खिलौना यह है औरत बड़ा त औरत, औरत। ना में बड़े औ की मात्रा नौ का में आ की मात्रा का नौ का, का में बड़े औ की मात्रा कौ बड़ा आ कौआ में बड़े औ की मात्रा ड में बड़ी की मात्रा री हथौड़ी हम जितने भी शब्द पढ़ते हैं ना तो आप बच्चों को जैसे मात्राएं सीख रहे हैं तो इसका बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है रंगीन वर्णों पर औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो ये औ की मात्रा लगानी है डंडे के ऊपर दो मात्रा है ये बड़े औ की मात्रा होती है जैसे ये लाल रंग के अक्षर हैं। वर्ण मीन्स अक्षर होता है तो इन अक्षरों पर हमने मात्रा लगानी है बाकी किसी पर नहीं लगानी फ और ज लिखा है तो ऐसे जैसे फ पे बड़े औओ की मात्रा लगा दी क्या बन गया जी फौजी यहां पर इन्होंने की मात्रा नहीं लगाई थी या तो ए की मात्रा लगा देते, नहीं तो फौज बनता ठीक है बाकी हमें किसी पर भी नहीं लगानी लगी हुई है मात्राएं चाहे वो आ की है या ए की है ठीक है च तो हम च लिखेंगे लाल रंग से तो तो इसपे बड़े ओ की मात्रा लगा देंगे चौ बाकी द और ह वैसे का वैसा ही लिख लेना है फिर हम इसे पढ़ेंगे क्या बन गया चौदह छोटा अ है अब हमने इस पर बड़े औ की मात्रा लगानी है क्या बन जाएगा ओ फिर ला द क्या बन गया औलाद खी, खी को देखकर हम खी लिखेंगे कुछ भी नहीं करना हमने काले अक्षरों को अब ल लाल रंग से है इस पर हमने बड़े ओ की मात्रा लगा देनी है लो न प्या की मात्रा लगी हुई है पहले से ही खिलौना यहाँ पर फ लाल रंग से है अब फ का फ नहीं लिखेंगे क्या करेंगे इस पर बड़े औ की मात्रा लगाएंगे फ़ फिर ला प्या की मात्रा ला, द। फौ, लाद फौलाद ल लाल रंग से है पे बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे लो फिक्की क्या बन गया लौकी बी को देखकर बी लिखेंगे ब में छोटी की मात्रा अब अच्छा छ जो है लाल रंग से है इस पर हमने क्या लगाना है बड़े ओ की मात्रा छ नाप्या की मात्रा ना ना अब ब बा बा पर क्या लगाएंगे बड़े ओ की मात्रा क्यों क्योंकि लाल रंग से है बो नापे की मात्रा है ने बो ने ओ ओ की की मात्रा लगाएंगे बड़े को देख कर, कर रा, रा को देख कर रा नापे बड़ी की मात्रा नी जैसे लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे काले अक्षरों को तो बन गया नौकरानी तो इस तरह से हमने लाल रंग के अक्षरों पर बड़े ओ की मात्रा लगाई तो ठीक से शब्द बन गए अब हम अगले पेज पर करेंगे बड़े ओ की मात्रा वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाओ चार चार शब्द लिखे हैं तो हमें देखना है जो भी होंगे चाहे कोई भी हो चाहे इस लाइन में इस लाइन में सब लाइनों में ये है रात्रा रे, न रैन इस पर हमने क्या लगाया क्रॉस ड का प्या की मात्रा त ड कैत ये भी क्रॉस मापे बड़े ओ की मात्रा मो साप्या की मात्रा सा मो सा ये राइट पा बड़े ओ की मात्रा है पाओ न प्या की मात्रा न पाओ ना, ना राइट कुछ बच्चे क्या करेंगे बस देखेंगे ओ की मात्रा टिक कर देंगे नहीं पूरा शब्द पढ़िए ठीक है तपे औ की मात्रा दो लो लत तो इस पे ओ की मात्रा है सही पे ए की मात्रा है मै मैल। तो क्रॉस पा में बड़े ओ की मात्रा है में आ की मात्रा धा पौधा राइट मापे बड़े ओ की मात्रा है मो कमे आ की मात्रा नौ का तो इस पर राइट लामे बड़े ओ की मात्रा है लो कामे की मात्रा की लो की राइट च र ख में आ की मात्रा है खा चर खा इसमें ओ की मात्रा नहीं क्रॉस ब सपे की मात्रा है से रापे आ की मात्रा रा बसेरा तो इसमें भी ओ की मात्रा नहीं है रॉन्ग रापे ओ की मात्रा कौन सी है छोटे तो इसलिए इसको भी क्रॉस करना है रोज रोज अब हम अंतर पहचाएंगे छोटे और बड़े की मात्रा में क्या अंतर है यह है सो और यह है सौ यह सो सोने वाला कहते हैं ना सो जा ये सौ यानी कि हंड्रेड सौ जो हम सौ रुपए भी कहते हैं सौ पैसे भी कहते हैं कुछ भी कहें सौ कुछ भी काउंटिंग में बोलते हैं ना सो तो ये है काउंटिंग वाला बा में ओ की मात्रा है छोटे बोना बोना जो हम बीज बोते हैं कोई भी चीज बोएंगे उसको ये वाला बोना कहेंगे और जो बोना होता है वो छोटे कद का होता है बोना ठीक है लोटा ये लोटा होता है ना जिसमें पानी भरते हैं तो वो लोट पानी भरने वाला लोटा और ये बड़ा ओ की मात्रा है लोटा ये वापिस आने वाला लोटा यह छोटे ओ वाला ओ र और इसका मतलब होता है तरफ ये बड़ा ओ रा और दोनों शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अलग अलग शब्द होते हैं ठीक है तो इस और का मतलब होता है दूसरा और मुझे और चीज चाहिए और चाहिए यह है गोरी गोरी जिसका रंग गोरा होता है उसमें ऐसे लिखते हैं छोटे ओ की मात्रा वाला गोरी और बड़े ओ की मात्रा गौरी ये नाम है गौरी में ओ की मात्रा खोल खोल तो ये जैसे किसी चीज को हम खोल देते हैं जो चीज बंधी होती है उसको खोलना खोल दरवाजा खोल कुछ भी कह सकते हैं में बड़े ओ की मात्रा खोल खोल जैसे पानी उबलता है ना खोलता है खून खोलता है खोल तो ये अब कुछ शब्द हैं श्रुतलेख के लिए यानी कि डिक्टेशन के लिए तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर मम्मी को बोलेंगे आपको बोलें और फिर आप अपनी कॉपी में लिखें में बड़े की मात्रा फौज फौज जैसे यहाँ पर फौजी लिखा था ना तो यहाँ पर फौज भी है फौजी भी बन जाता है उसी से में बड़े की मात्रा दो में बड़े की मात्रा जौ जौहर च में बड़े ओ की मात्रा चौ ड में बड़ी की मात्रा डी, ली कचौड़ी ब में छोटी की मात्रा बी छ में बड़े ओ की मात्रा छौ न में आ की मात्रा न बिछौना न में बड़े ओ की मात्रा नौ क र नौकर ता में बड़े ओ की मात्रा तौ ल में छोटी की मात्रा ली या में आ की मात्रा या तौलिया चा बड़े ओ की मात्रा चौ में बड़ी की मात्रा की आ की मात्रा र चौकीदार तो ये सारे शब्द आपने चाहे वो चित्रों वाले हैं और या फिर औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने वाले हैं और ये भी सारे शब्द तो आपने अपनी कॉपी में लिखने और बोलनी है ठीक है ओके बाय